माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 17,000 पदों की घोषणा के बाद से ही अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे थे और आज दिनांक 28 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इको गार्डन से लेकर के विधानसभा तक अभ्यर्थियों ने घेराव किया और ये इतिहास में पहली बार रहा कि विधान परिषद पर लगातार 3 घंटे तक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद से शासन प्रशासन भी सकते में आया। हालांकि आज हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंड थी, बावजूद इसके अभ्यर्थियों में वो जोश था कि आज लखनऊ में भी गर्मी पैदा कर दिया। दोस्तों, शासन प्रशासन के हाथ पांव फूलने के बाद से महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा इनकी डेलीगेशन टीम को बुलाया गया मीटिंग करने के लिए, जिसमें 5 से 6 सदस्यीय अभ्यर्थी उनसे मीटिंग करने गए और अपनी बातों को रखे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा अभ्यर्थियों से कहा गया कि 17,000 पद हों, 70,000 हों या फिर 1,00,000 हों, आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। अभ्यर्थियों ने इसका जवाब दिया कि निश्चित तौर पर मुझे एक सीट से मतलब है, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछली जो भर्ती हुई है उसके बाद से 3 बैच डीएलएड के 17, 18, 19 बैच कंप्लीट हुए हैं। बीएड के भी 3 बैच कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश में 3 लाख की संख्या में, वो भी इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा माननीय कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में सम्मिलित होने का मौका दिया है और प्रदेश सरकार ने भी इसकी सहमति दर्ज करा दी है। मतलब आने वाली भर्ती में लाखों की संख्या में बहुत भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है, इस वजह से 17,000 पद बहुत ज़्यादा कम है और इन सीटों को बढ़ाने के संदर्भ में उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। अभ्यर्थियों ने उनको अवगत कराया, जिसके बाद से महानिदेशक स्कूल शिक्षा भी उनकी बातों से सहमत होते हुए दिखी और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आज ही दिनांक 28 दिसंबर 2021 को शासन स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने अभ्यर्थियों को अवगत कराया कि आपकी इस भर्ती की मांग को हम लोग शासन स्तर तक रखेंगे। साथ ही उनके द्वारा सहमति इस बात पर बनी कि 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की बात वो रखेंगे, लेकिन अभ्यर्थी डटे रहे कि हमें 70,000 नहीं बल्कि 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहिए, वो भी इसका विज्ञापन आचार संहिता से पहले आ जाना चाहिए। इन सभी बातों के साथ जब उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके सभी मुद्दों को वो शासन स्तर तक आज दिनांक 28 दिसंबर 2021 को विशेष सचिव के समक्ष रखेंगी, उसके बाद अभ्यर्थियों को थोड़ा आश्वासन मिला और अभ्यर्थी अभी हटे नहीं है, धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उन्हें खुले शब्दों में कहा कि जब तक आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मीटिंग के बाद नहीं मिल जाता तब तक अभ्यर्थी डटे रहेंगे। अब देखना होगा कि आश्वासन के बाद से सीटों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने आज संघर्ष किया है इतने पानी में, इतने ठंड में, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ था और सरकार भी मजबूर थी उनके संघर्ष के आगे झुकने के क्रम में। अब 17,000 जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, निश्चित तौर पर उसमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार मजबूर होगी। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।